नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco X3 Pro वर्सेस Umidigi Bison का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco X3 Pro में 6.51 इंच जबकि Umidigi Bison में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Poco X3 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Poco X3 Pro में 3.02 इंच जबकि Umidigi Bison में 3.15 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Poco X3 Pro में 0.37 इंच जबकि Umidigi Bison में 0.5 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Poco X3 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco X3 Pro में 215 ग्राम जबकि Umidigi Bison में 250 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Poco X3 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Poco X3 Pro में 20:9 जबकि Umidigi Bison में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco X3 Pro में 6.67 इंचेस जबकि Umidigi Bison में 6.3 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco X3 Pro में 1080x2400 और Umidigi Bison में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco X3 Pro में 84.61% जबकि Umidigi Bison में 74.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco X3 Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Umidigi Bison में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco X3 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Umidigi Bison की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco X3 Pro में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Umidigi Bison की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco X3 Pro में Adreno 640 जबकि Umidigi Bison में Mali-G 72MP3 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco X3 Pro में Qualcomm Snapdragon 860 और Umidigi Bison में MediaTek Helio P60 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco X3 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Umidigi Bison में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco X3 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Umidigi Bison में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Poco X3 Pro में अप टू 1TB जबकि Umidigi Bison में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco X3 Pro में Android V11 जबकि Umidigi Bison में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी Poco X3 Pro में 5160mAh जबकि Umidigi Bison में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
पोको एक्स थ्री प्रो में 3 कलर्स जबकि उमीडी की बाइसन में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोको एक्स थ्री प्रो में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें उमीडी की बाइसन की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 25,750 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 10 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोको एक्स थ्री प्रो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी पोको M2 प्रो है जो कि 12,999 रुपए में मिलता है। दूसरा शाओमी रेडमी 9 प्राइम है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। तीसरा शाओमी रेडमी 9 है जो कि 9,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी 9 पावर है जो कि 13,499 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।